Hi, hello, namaste. My name is Shivangi and welcome to my channel, The Tales of Homemaking. Welcome to another Hacks of Thursday video where I share my hacks. So today I'm going to share with you my best out of waste material. और मैंने यहाँ पर कैंडल बनाई है. इवेंचुअली मैं इसको आपको दो तीन तरीके से दिखाऊंगी, मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है और मैं इसे कैसे अपने टेबल का सेंटर पीस यूज़ करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कैंडल. एंड यहाँ पर मैंने न्यूटेला का जार लिया है. न्यूटेला ख़त्म होने के बाद जो जार बचा था उसी को मैंने वॉश कर लिया है. दिवाली की पुरानी कैंडल ली है और कलावा लिया है. और इसको सेट करने के लिए मैं पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ ताकि मैं इसको स्ट्रेट रख सकूँ अपने धागे को, और जब भी मैं मेल्टेड वैक्स डालूँ तो ये इधर उधर हिले नहीं और स्ट्रेट सेट हो पाए मेरी कैंडल. सो मार्केट में ट्विग्स अवेलेबल होते हैं बट आई रियली डिडंट वांटेड टू स्पेंड एनी मनी ऑन दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू चॉप माई कैंडल और उसके बाद मैं इसे इंडक्शन पे ईजिली मेल्ट कर लूँगी. अगर आप लोग फ्लेम पे मेल्ट करते हैं तो मेक श्योर कि डबल बॉयलर सिस्टम यूज़ करें बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. बट मेरे पास लकीली इंडक्शन अवेलेबल है तो मेरी वैक्स बहुत ईजीली मेल्ट हो गई विदाउट डबल बॉयलर. और इट टुक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स फॉर मी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिप द थ्रेड इन दिस सो दैट वो अच्छे से सेट हो जाए. और उसके बाद मैं पोर करने वाली हूँ ये मेल्टेड वैक्स जार के अंदर. सो मेरे पास एक्स्ट्रा मेल्टेड वैक्स बची थी तो मैंने दूसरी कैंडल भी बना ली है सेम तरीके से. एंड उसके बाद बारी आती है एसेंशियल ऑयल की अच्छी फ्रेगनेंस के लिए. तो मैंने लेमन लिया है यहाँ पर, लेमन का एसेंशियल ऑयल. आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. मुझे लेमन एसेंशियल ऑयल की फ्रेगनेंस बहुत पसंद है इसलिए मैंने वो डाला है. एंड इट गिव्स काइंड ऑफ फ्रेशनेस वाइब इन द हाउस तो आई जनरली प्रेफर दिस एसेंशियल ऑयल. सो यस, लेट इट सिट फॉर 2 आवर्स एंड देन वील मूव ऑन टू द डेकोरेशन पार्ट. सो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरी कैंडल अच्छे से सेट हो गई है. और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने ग्लू गन, कुछ ट्विग्स, कुछ कलर और नाइफ लिया है. सो सबसे पहले मैं अपने थ्रेड को कट कर लूँगी सो दैट ये कैंडल का काम पूरा अच्छे से फिनिश हो जाए. देन आई विल मूव ऑन टू द डेकोरेशन पार्ट. तो इट ऑलमोस्ट टुक 2 आवर्स और ये इतने में सेट हो जाती हैं. उसके बाद आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं. बिकॉज मैं इन्हें डेकोरेट करने वाली हूँ बिकॉज मुझे चाहिए था एक टेबल के लिए, अपनी सेंटर टेबल के लिए एक सुंदर सा डेकोरेटिव पीस. अगेन आई लव डूइंग दिस आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क तो मैं कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी. दीज आर द ट्विग्स जो जब आप वॉक पे जाते हैं जनरली आपको नीचे सड़क पे पड़ी हुई मिल जाती हैं या गार्डन में मिल जाती हैं. तो ये वही ट्विग्स हैं, घर पे लाके मैंने अच्छे से वॉश किया है और तब मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से मेजर कर लिया है. ये 7 सेंटीमीटर का आई गेस बैठा था मेरा. और उसके बाद मैंने सारी ट्विग्स को अच्छे से कट करके और मैं ग्लू गन से उन्हें पेस्ट करने वाली हूँ. ग्लू गन से पेस्ट करना मुझे थोड़ा ईजी लगता है बिकॉज मेसी फ्री तरीके से बहुत ईजीली और बहुत जल्दी हो जाता है पेस्ट. सो इट इज़ आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो मेक श्योर यू बाय अ ग्लू गन. इट्स नॉट वेरी मच कॉस्टली एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत ही मैसी फ्री तरीके से काम हो जाता है. सो हेयर इट इज़. एंड इसी तरीके से मैं अपनी दोनों कैंडल्स के ऊपर ट्विग्स चिपका लूँगी. और मैंने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया है बिकॉज मुझे वो थोड़ा रफ नेचुरल लुक चाहिए था इसके ऊपर. That it should looks like that, yeah, there is some wooden container and proper natural चाहिए था मुझे. तो मैंने कोई measurement proper ऐसा follow नहीं किया है. मेरी कुछ twigs बड़ी हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ छोटी हैं और but yeah, height उनका सबका same है. और इसी तरीके से मैंने अपनी second candle को start कर दिया है and it turned out very beautiful. ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं और here is the final look of these. और अब मैं इनको थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाली थी बिकॉज मुझे अपनी टेबल का सेंटर पीस बनाना था. तो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स एंड हेयर इज़ अयांश हेल्पिंग मी.
और यहाँ पे मैं इस कैंडल को रखने के लिए बेस बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे ही पेबल्स लिए हैं जो जनरली पार्क में अवेलेबल होते हैं, तो मैं पार्क से ही लेकर आई हूँ ये पेबल्स, और मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और सूखने के बाद मैं उनको यहाँ पर पेस्ट करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये राउंड मैट पड़ा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, तो इसी के ऊपर मैं ये पेस्ट करने वाली हूँ पेबल्स। मैं अपने सेंटर पीस को बिल्कुल नेचुरल लुक देना चाहती थी, तो इसीलिए मैं ये पेबल्स यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारे पेबल्स को लगा लूँगी। मेक श्योर अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी पेबल्स किसी भी सरफेस का बेस बनाने के लिए, तो फ्लैट पेबल्स आप यूज़ करें। एंड हियर इज़ द फाइनल पेबल बेस लुक। और यहाँ पे मैंने हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्राउन कलर लिया है गीले कपड़े के अंदर, जिसको मैं अपनी ट्विग्स के ऊपर बहुत हल्का हल्का कोट करूँगी ताकि ट्विग्स में बाद में मोल्ड ना आ जाए या वो ख़राब ना हो जाए। मैं चाहती तो कलर भी कर सकती थी, बट आई रियली वॉन्टेड इट अ रस्टी लुक, तो मैं सिर्फ हल्का हल्का वॉर्निश कर रही हूँ। तो मैं इसको दो तीन तरीके से आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी, आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा सेंटर पीस ज़्यादा सुंदर लगा। सो फर्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पर नेट लिया है, और एक ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था नेट का, तो मैंने उसी में से एक स्ट्रिप काट करके मैं उसको इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लूँगी या फोल्ड कर दूँगी। और ये फर्स्ट लुक है पेबल बेस के साथ, सिंपल छोटा सा सेंटर पीस। एंड देन आई प्लेड अराउंड विद माई इंडो प्लांट्स, तो मैंने अपनी कैंडल्स को इंडो प्लांट्स के साथ वाइट नेट से टाई कर दिया है। एंड ये मेरे फ्लावर्स भी पुराने ही थे, सो ये एक ये ग्रीन पूरा लुक है, एंड देन दिस पर्पल फ्लावर, पिंक कैंडल्स एंड ग्रीन प्लांट्स, दिस इज़ द लुक। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दैट विच वन यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।